नमस्कार दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वैसे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत मान्यता है। हर घर में एक ना एक तुलसी का पौधा है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं, इसी तरह एक और पौधा है जिसकी हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा, जिसको शुभ माना जाता है और जिसकी पूजा की जाती है, वो है शमी का पौधा, जिसे शुभ माना जाता है और जिसे शास्त्रों के मुताबिक काफ़ी शुभ माना गया है। इसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शमी का पत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है, शमी के फूल और शमी के पत्र। इसी तरह भगवान शिव को जल अर्पण करते समय एक लोटे में एक शमी का फूल या पत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है शमी के पत्र को घर में लगाने से काफ़ी फायदे होते हैं और हिंदू धर्म के मुताबिक शमी के पत्र को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शिव जी की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। पौधे को लगाने से घर की हर मुसीबत टल जाती है और धन संपदा की कमी कभी नहीं होती। आज हम आप सभी को शमी के पौधे के फायदे बताएंगे। कहा जाता है शमी के पौधे को घर में लगाने से बरकत होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। शमी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख भी दूर हो जाते हैं और खुशहाली रहती है। और यह भी कहा जाता है शमी के पौधे को घर में लगाने से वास्तु दोष भी टल जाता है और घर की सभी बाधाएं भी मिट जाती हैं, सारी परेशानियां टल जाती हैं और शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर और घर पर बनी रहती है। और हिंदू धर्म के अनुसार विवाह में आने वाली सारी बाधाएं भी इस पौधे को लगाने से दूर होती हैं। यदि घर में किसी भी सदस्य पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, यही पौधा लगाने से घर में उस व्यक्ति से साढ़े साथी का प्रभाव भी कम हो जाता है। कहा जाता है शमी के पौधे में आप शनि भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। शनि भगवान का वास भी शमी के पौधे में होता है। शमी के पौधों को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप शमी के पौधे को किस दिन लाना चाहिए? शमी के पौधे को शनिवार के दिन लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन आप इस पौधे को घर में लेकर आएं और घर में लगाएं। शनिवार के दिन शमी के पौधे को घर पे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और अगर शनिवार को ना ला पाएं तो आप दशहरे के दिन ज़रूर लेकर आएं। यह शमी का पौधा धन का आगमन करता है। ध्यान रखिए, आप शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर ना लगाएं। इस पौधे को आप खुली जगह पर लगाएं, जैसे कि गार्डन में या घर के आंगन में लगाएं। और घर के मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे कहा जाता है घर में घुसने वाली सारी बाधाएं टल जाती हैं। उसे सबसे पहले शिव जी का सामना करना पड़ता है उस दुविधा को घर में आने से पहले, और शिव जी उस पला को टाल देते हैं। और ये अब बातें आप अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान रखें कि शमी के पौधा हमेशा दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। यदि संभव ना हो तो इसे पूर्व दिशा में स्थापित कीजिए। शमी के पौधे की पूजा बिल्कुल ही तुलसी के पौधे की तरह ही पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। और यदि संभव ना हो तो आप प्रत्येक शनिवार शमी के पौधे के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर प्रज्वलित करें। और यदि आप शमी के पौधे का फूल शिव जी पर चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और वैसे भी शिव जी को शमी के पत्ते और पौधे का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसे अर्पण करने से सभी दुख का निवारण हो जाता है और इस पौधे को घर में लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि और शांति आपके घर पर बनी रहती है और शिव जी की कृपा भी आपके घर पर बनी रहती है। तो आप इस पौधे को सही तरीके से कैसे लगाएं, तो इस चीज़ को अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ।